हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन ये है कि टू पिंक फ्लावर्ड फोर ओ क्लॉक प्लांट्स आर क्रॉस्ड टू ईच अदर, फ्लावर कलर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, ये याद रखना इसमें दे रखा है, एंड गिविंग फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रखा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, पहले हम बात यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया सेल्फिंग वाली कंडीशन, जब हमें F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर प्राप्त होता है तो उसकी जो हम सेल्फिंग करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया। तो हम क्या करते हैं, उसमें पहले कैपिटल आर रेड और स्मॉल आर व्हाइट का क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में मुझे क्या मिलता है, पिंक फ्लावर हेटरोजाइगस कंडीशन मिलती है, ठीक है, पिंक फ्लावर। और जब इसकी हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो वन हमारा क्या मिला, रेड, टू पिंक और वन व्हाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है, तो व्हाट आर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, कंडीशन वन, द फर्स्ट थ्री प्लांट्स विद व्हाइट फ्लावर, जो हमें फर्स्ट थ्री प्लांट है वो व्हाइट फ्लावर। तो देखो, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन फिनोटाइप एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो, हमने इसका सेल्फिंग के बाद जो आया है, तो इसमें व्हाइट फ्लावर कितने हैं, व्हाइट एक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन फिनोटाइप वन और टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, चार। तो एक व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो यहां पे पूछा गया था फर्स्ट थ्री प्लांट्स विद व्हाइट फ्लावर, ठीक है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 × 1/4 × 1/4 कितना आ जाएगा, 1/64, ठीक है। तो जो फर्स्ट थ्री प्लांट है उनके आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/64 होगी, क्योंकि एक व्हाइट फ्लावर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं बात करूंगा सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि ए प्लांट विद आइदर व्हाइट और पिंक फ्लावर। अब जैसे हमने चेकरबोर्ड बनाया था, जो सेल्फिंग वाला चेकरबोर्ड बनाया था वो ये था, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रेड था, ये पिंक और ये व्हाइट, ठीक है। अब हमें देखना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल गिवन फिनोटाइप। अब मुझे किसकी किसकी पूछी है यहाँ पे, व्हाइट और पिंक, तो हमारे देखो पिंक के कितने हैं, पिंक के दो हैं, प्लस व्हाइट के कितना है, एक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने, 1, 2, 3, 4, 4, तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो हमारे ये प्लांट विद आइदर व्हाइट और पिंक फ्लावर, तो इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन हेटरोजाइगस ब्लैक पिंक आर इंटरक्रॉस्ड, देन व्हाट इज द चांस ऑफ द फर्स्ट टू ऑफ स्प्रिंग विल ब्लैक। देखो यहां पे इन्होंने ये बोल रखा है, जैसे हम मान लेते हैं, यहां पे हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि कैपिटल वी स्मॉल वी इज अ हेटरोजाइगस ब्लैक पिंक, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला इनका हमें इंटरक्रॉस कराना है, तो फिर हम चेकरबोर्ड बना के करा लेते हैं इंटरक्रॉस, कैपिटल वी स्मॉल वी, तो क्या है, कैपिटल वी स्मॉल वी। तब इन्होंने पूछा कि क्या चांस होंगे कि दो ऑफस्प्रिंग ब्लैक हो। अब देखो, जो हमने एक ये ब्लैक हो जाएगा हेटरोजाइगस कंडीशन में, ये भी ब्लैक हो जाएगा हेटरोजाइगस कंडीशन में, ये हमारा व्हाइट होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा, जैसे कि इस चेकरबोर्ड में देखो टोटल चार है हमारे, अब टोटल चार में से कितने ब्लैक है, 3, तो 3/4 ब्लैक है, ठीक है। अब पूछा है उन्होंने क्या है, फर्स्ट टू इंडिविजुअल, तो हम क्या करेंगे, 3/2 × 3/2, क्योंकि
ये वन इवेंट है, मतलब एक बार जब क्रॉस कराया। अब पूछा गया फर्स्ट टू ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लैक, तो देखो एक बार जब हमने इंटरक्रॉस कराया तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/4। जब दूसरी बार इंटरक्रॉस कराएंगे तो भी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 3/4, तो टोटल क्या हो जाएगा 9/16। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आएगा 0.56 के करीब, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 56 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।